मेरे फ्रेंड क्या कर रहा है, मेरे पापा क्या बोल रहे हैं, मेरे फैमिली में कौन डॉक्टर है, ये चीज को नहीं देखना चाहिए। पर्सनैलिटी देखना चाहिए, इज आई एम इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। अगर एक चलो मैडम बोल रही है कि मेरे को न्यूज एडिटर बनना है, मतलब मुझे फील्ड में जाना है, ठीक है, न्यूज एंकर बनना है, अकेले में नहीं बोल पाती हैं, कैसे बनेंगी वो? उसके लिए एक्सट्रोवर्ट होना जरूरी है ना, कि वो जाएगा तो पहले बात करना आना चाहिए। अब वो बात ही नहीं कर पा रहा तो सामने वाले को जाके कैसे पूछेगा आज क्या मौसम है, ये आज का खाए रेस, यही पूछेगा नहीं ना। तो सबसे पहले अपनी पर्सनालिटी को जानो, इज यूअर इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट। मैं थिंकर हूँ, फीलर हूँ, मैं चीजों को देख के सीखती हूँ, सीखता हूँ, या मैं जो नई नई चीजों को देखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करना चाहती हूँ, या मैं एक पर्टिकुलर मल्टीटास्क करूँ, एक टाइम में चार चीजें कर सकती हूँ, समझ रहे हो? डॉक्टर कैसा होना चाहिए? ऑर्गेनाइज होना चाहिए, ऐसी होना चाहिए एकदम फटाफट चार काम करने वाला, ऑर्गेनाइज होना चाहिए ना। वो थिंकर ज्यादा होना चाहिए कि फीलर जाना होना चाहिए? थिंकर, क्योंकि अगर वो सबसे कनेक्ट होने लगा, फीलिंग करने लगा, इलाज कर पाएगा। कितने लोग यहाँ पे अपने आप को थिंकर समझते हैं, फीलर समझते हैं, बोलो। अब आ रहे कंफ्यूजन, ये चीजें हमें पहले सोचनी चाहिए, राइट? आए हैं यहाँ से सीख के जाएंगे, ठीक है।